बहू तो सेवा करे ससुराल वालों का और ताना सुने मायके वाले। सुबह के 10 बज रहे थे, शीला काफी सुमन जी मिलने आई तो देखा सुमन जी का मुंह लाए सोफे पर बैठी बड़बड़ा रही थी। घर का काम अभी तक नहीं हुआ है, शीला काफी तो मन ही मन खुश हो गई। अब बहू पुराण शुरू करने का अच्छा मौका मिला। सुमन जी के पास बैठते ही उन्होंने बोला शुरू किया, अरे सुमन भाभी अभी तक घर में झाड़ू नहीं लगाया, बहू कहाँ गई? अरे क्या बताओ, नाम मत लो उसका, आए दिन बस बीमारी का बहाना करके पड़ी रहती है, गई है अपने पति के साथ डॉक्टर को दिखाने। है सारा काम छोड़ कर गई है क्या? काम कौन करेगा, तुम्हारे घर में तो काम वाली भी नहीं है। मैं हूँ ना काम वाली, इस बुढ़ापे में मैं करूँगी इस घर का काम, जब देखो तब बीमारी का बहाना लेकर पड़ी रहती है। बुरा मत मानना सुमन भाभी, पर ये तो बहुओं के काम ना करने के बहाने हैं। कभी अपने मायके जाते समय भी तबीयत खराब होती है क्या? अरे मायके जाने के नाम पर तो अच्छे अच्छे की तबीयत ठीक हो जाती है, पता नहीं क्या इसके मायके वालों ने अपनी बीमार बेटी हमारे पल्लू बांध दी, जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा, बुढ़ापे में अपनी सासों को परेशान कर रही है ना, इसका भी एक बेटा है, सब पता चल जाएगा। इतने में अनुप और अर्चना घर के अंदर घुसे, जिन्हें देखते ही शीला काफी उठकर उसे घर की तरफ रवाना हो गई, पर सुमन जी ऐसे ही मुंह फुलाए बैठी रही। सुमन को अंदर कमरे में जाने के लिए कहा और खुद किचन में जाकर ब्रेड सेकने लगा, जिसे देखकर सुमन जी किचन की तरफ गए। यह क्या कर रहा है तू? ब्रेड सेक रहा हूँ ताकि अर्चना ब्रेड दूध खा के दवाई ले ले, से ठीक लगेगा तो फिर घर के काम करवा देगी, तब तक मैं घर के झाड़ू तो लगा देता हूँ। तू तो क्या झाड़ू लगाएगा, वह महारानी तो बस आराम करेगी और बेटा घर का काम करेगा, इतना सिर पर मत चढ़ा। उसे माँ अर्चना की तबीयत सचमुच खराब है, सब बहानेबाजी है, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, पर मेरा बेटा है कि समझने का नाम ही नहीं लेता। सुमन जी बड़बड़ाते हुए वापस सोफे पर आकर बैठ गई। अनुप ने अर्चना को दूध ब्रेड देकर दवाई वगैरह दे दी और घर की झाड़ू लगाकर खुद तैयार होकर अपनी के दुकान खोलने के लिए रवाना हो गया। साथ ही साथ अपने दोनों बच्चे का टिफिन भी पैक करके ले गया ताकि उन्हें स्कूल में दे सके, और सुमन जी के लिए भी ब्रेड सेक कर रख गया। अनुप और अर्चना की शादी को 4 साल हो चुके हैं, उन्हें 2 15 साल के जुड़वा बच्चे हैं। अब अर्चना की इतनी उम्र हो चुकी थी कि उसके कारण शरीर में बदलाव हो रहे थे, जिससे आए दिन कोई ना कोई बीमारी लगी रहती थी। साथ ही साथ अपने दोनों बच्चों का टिफिन भी पैक करके ले गया ताकि उन्हें स्कूल में दे सके, और सुमन जी के लिए भी ब्रेड सेक कर रख गया। अनुप और अर्चना की शादी को 17 साल हो चुके थे, उनके 2 15 साल के जुड़वा बच्चे भी थे, और अर्चना की इतनी उम्र हो चुकी थी जिसके कारण शरीर में हार्मोन्स में बदलाव हो रहे हैं, जिससे आए दिन कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। अनुप की उससे खुद की किराने की दुकान है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, माँ के दवाई के खर्चे, घर के खर्चे आदि इनकी खर्चे निकल पाता है दुकान से, इसलिए घर में नौकरानी भी नहीं रख सकता, पर जहाँ तक हो सकता अर्चना की मदद जरूर कर देता। अर्चना की तबीयत खराब रहने के बावजूद भी अर्चना पूरा कोशिश करती कि जितना उसे हो सके करे, पर अब पहले जैसी फुर्ती तो ना रही। बच्चे भी अपना काम खुद करना पसंद करते हैं, जहाँ तक हो सके पूरा परिवार सुमन जी पर वजन नहीं डालता, लेकिन उसके बावजूद सुमन जी को पता नहीं क्या परेशानी थी, जिसे दिन भर अर्चना की तबीयत खराब हो जाती, बस चिल्लाने से मतलब रखती, करती धरती कुछ नहीं, पर आज तो सुमन जी भारी बैठी थी। के जाते ही उन्हें बोलने का मौका मिला और वो शुरू हो गई। ऐसी भी बीबियां होती हैं, यहाँ पति झाड़ू लगा रहा है और खुद आराम कर रही है, बेचारी मेरा बेटा घर का
दुकान दोनों में फंस कर रह गया है। अरे क्या तेरे पीहर में भी यही सब चल रहा है? तेरे माँ बाप ने अपनी बीमार बेटी हमारे को तो ना दे बांध दी। बहू शादी से पहले भी बीमार रहती थी क्या? यह सब सुनते ही अर्चना के तन बदन में आग लग से लग गई। पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, उठ करके सीधे बाहर आई और अपनी सासू माँ से बोली, यह कैसी बात कर रहे हैं आप? आप मेरे माता पिता पर यह कैसे लांछन लगा रही हैं? शादी के 17 साल बाद आपको अब महसूस हो रहा है कि मेरे माता पिता ने अपनी बीमार बेटी आपके पल्लों बांध दी, और जो 17 साल से मैंने यह मेहनत की उसका क्या? वह पीहर में मैंने तो बच्चे पैदा नहीं किए थे और ना ही वहाँ मैंने इतना काम किया था। 17 साल से मैं खुशी खुशी सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मुझ में अब बदलाव हो रहा है। मेरे भी उम्र बढ़ रही है, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि आप मेरे माता पिता पर लांछन लगाएं। कल मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, इसका मतलब कल को आप सबको यही कहते फिरेंगी कि मेरे पीहर वालों ने आपके पल्लों एक बूढ़ी बेटी बांध दी। कमाल है, बहु सेवा ससुराल वालों की करे और सब बहु के जरूरत हो तो ताना मायके वाले सुने। मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी, खुद के लिए भी और अपने मायके वालों के लिए भी नहीं। ऐसा कहकर अर्चना अपने कमरे में चली गई और सुमन जी उसे जाते हुए चुपचाप देखती रह गई। इतने में तो उन्हें समझ में आ गया था कि बहू अब कुछ नहीं सुनेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।